Welcome to the smart world a school of complete education today we are going to learn english unit 3 chapter 3 toto the hen look listen and read aloud rahis had a pet she was a black hen her name was toto toto lived in a coop toto was a very smart hen rahis used to give food to her every day and played with her they become good friends when toto laid an egg she used to make a special sound, cock, cock, cock. Then Rahis came out and fed Toto and took the egg for him. One night, Rahis was sleeping in the bed. He heard the special sound of Toto, cock, cock, cock. Rahis came out from the house. Toto ran to Rahis and pecked his leg. Rahis looked around to see what happened. He smelled something burning. Oh my god, the coop is on fire, he shouted. The coop was in a mess. Rahis ran.

जिसका एक पेट होता है हैन मतलब एक मुर्गी होती है उसकी पेट होती है वो ब्लैक कलर की होती है और वो कॉप में रहती है मतलब जो हैन का घर होता है उसे कॉप कहते हैं ठीक है जहाँ हैन ये सब रहती है ठीक है और रहीस उसके उसे रोज खाना देता है उसका ख्याल रखता है और वो धीरे धीरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं कौन रहीस और उसका पेट उसकी मुर्गी टोटो ठीक है और जब भी टोटो अंडे देती थी तो वो एक स्पेशल साउंड निकालती थी कॉक कॉक की तो उसकी आवाज़ सुन के हमेशा रहीस आता था उसकी उसके अंडे को ले जाता था और उसे खाना खिलाता था तो एक दिन क्या हुआ कि टोटो सो सॉरी जो रहीस होता है वो सो रहा होता है अपने रात में सो रहा होता है तभी टोटो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है कॉक कॉक करके तो रहीस उठता है और देखता है कि टोटो बहुत जल्दी से भागी भागी आती है उसके पास तो फिर वो देखता है आसपास के क्या हो रहा है तो देखता है कि जो कूप मतलब जहाँ हैंड रहती है मुर्गियाँ रहती है वो जल रही है तभी वो चिल्लाता है और एक पाइप लाता है जिस पाइप की वजह से वो पाइप में पानी होता है उसकी उसकी मदद से वो सारा जो आग होता है उसे बुझाता है और फिर वो टोटो को थैंक कह थैंक यू कहता है कि तुम बहुत एक स्मार्ट मतलब एक बहुत ही समझदार मुर्गी हो तुमने मेरे फार्म को बचा लिया थैंक यू तो कोको भी मतलब सॉरी टोटो भी उसे बहुत हैप्पली रिप्लाई करती है कोको के साउंड से ओके okay, स्टूडेंट सो so, इसमें एक्सरसाइज है जो आपको करना है कि आपको भी टॉक अबाउट योर पेट एनिमल एंड हाउ यू मतलब आपका कोई पेट एनिमल होगा पालतू जानवर उसके बारे में आपको बताना है और फिर आपको ये जो दे रखा है लुक एंड से ये जो वर्ड्स दे रखे हैं उसे आपको पढ़ना है और फिर एक आपको अपनी स्टोरी टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड मतलब अपनी स्टोरी एक स्टोरी आप अपने शब्दों में बनाइए फिर रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस मतलब आपने जो स्टोरी पढ़ी है उसे पढ़िए और उसको एक इस सेंटेंस को सेंटेंस को कंप्लीट करिए जैसे कि टोटो तो तो वर्ज इस स्मार्ट हैन डैश हैन तो इसमें आएगा स्मार्ट ऐसे आपको एक्सरसाइज करनी है ओके स्टूडेंट